धरती गोल है। पापा जी का पैसा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, साइकिल का पहिया गोल, घड़ी की सुई घूमे गोल, टन टन करता घंटा गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। और इस गोल मटोल दुनिया में एक वक्त के बाद चीजें घूम फिर कर वही आ जाती हैं। एक वक्त में अगर कोई कामयाबी की ऊंचाइयां छू रहा होता है तो उसे कुछ वक्त बाद फिर अपने लेवल पर आना होता है। इतिहास की बातें दोबारा किसी न किसी रूप में घटित होती हैं, फिर चाहे वो आम लोगों की बात हो या फिर राजनेताओं की। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप देख रही हैं ENN भारत। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी नेताओं ने दिन रात एक करना शुरू कर दिया है। कोई सत्ता पाना चाहता है तो कोई दोहराना। अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि क्या सत्ताधारी बीजेपी को हराने के लिए 1990 का वाक्य दोहराया जा सकता है। ये बात हम नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह आडवाणी के रथ को लालू प्रसाद यादव ने 1990 में रोका था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार रोकेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब जब बीजेपी नाकाम होती है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या कोई और समुदाय। देश की आजादी के लिए सभी धर्म के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। कुछ समय से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश किसी के बाप का नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, अब नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार उसी तरह से मोदी के रथ को रोकेगी। अगर यह लोग फिर से सत्ता में आ जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसे रोकने के लिए काम नीतीश कुमार करेंगे। आपको बता दें कि 1990 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था। उस वक्त आडवाणी राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चला रहे थे। समय का पहिया घूमकर आता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। देखते रहिए ENN भारत। शुक्रिया।